ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी थी। और ये पूरा एरिया एक बार आप दिखाइए, ये पूरा एरिया दिखाइए, ये वहाँ तक दिखाइए। ये करीब 6000 एकड़ गज जमीन है, दूसरा नंबर 6000 में है, SDMC पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार 6000 गज जमीन है। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति थी पिछली साल। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति पर तिरंगा झंडा फहराया गया, 15 अगस्त सेलिब्रेट यहाँ के लोगों ने किया, जो लोकल में यहाँ पर लोग हैं उन लोगों ने किया। और जब वो करने आए तो यहाँ के जो एक कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने मारपीट की, महिलाओं की साड़ी खींची, वो मारपीट के वीडियो भी अवेलेबल हैं। तिरंगा झंडा को इन्होंने उतार करके कूड़े में फेंका। उसके बाद FIR हुई SC ST एक्ट के मुकदमे में। इसमें नाम किन किन लोगों का है? नंबर एक राजवीर, शकुंतला उनकी पत्नी जी, जितेंद्र उनका बड़ा लड़का, जितेंद्र उनका बीच वाला लड़का दीपक, दीपक सबसे छोटा लड़का है सुनील और सुनील को, हाँ, और एक उनके चाचा का लड़का है आशा। ये पांच लोगों ने ये सब मारपीट की भयंकर तरीके से, वीडियो सब है। लेकिन एक साल होने को जा रहा है, पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की, सारे वीडियो है, जबकि एंटीसिपेटरी बेल भी हाईकोर्ट से रिजेक्ट हुई उसके बाद में। आप समझिए कि इस एरिया में कितना उनका प्रभाव है पुलिस के ऊपर भी, कि पुलिस को भी अपना उन्होंने काम नहीं ठीक से करने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से मिला हुआ है। दूसरी चीज़ हम दिखा रहे हैं, 27 तारीख को हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, मुकदमा मेन ये था कि इन अपराधियों के, जिन एक्यूज के खिलाफ ये केस है उनकी गिरफ्तारी की जाए और वो लोग FIR पर्सन के लिए माननीय दिल्ली न्यायालय पहुँचे। कोर्ट को मिसलीड किया गया। और ये एरिया आप लोगों को दिखाएंगे, इधर दिखाइए ये एरिया पूरा, अगली जो नीली रास्ता है ये एरिया आप लोग एक आप देखिए, ये दिखाइए, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग होते हैं रेंट पे, वो तो मूर्ति हटवा दी, ये नहीं हटवाई है। अब ये एरिया आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें फैक्ट्रियां चल रही हैं इनकी, इसमें फैक्ट्रियां चल रही हैं राजवीर नाम के आदमी की जी। ये वहाँ तक दिखाइए, जो गेट लग रहा है ये लास्ट वाला गेट, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल नाइट में चार्ज होते हैं। ये इधर देखो, इधर देखो, ये गाड़ी खड़ी है, कारें खड़ी है, अरे कार इधर, इसमें लकड़ी की फैक्ट्री है जो अभी भी चल रही है। आ गया, ये पूरा एरिया देखिए कहाँ तक है, ये 6500 जमीन में, ये जहाँ तक टेम्पो खड़ा है नीली तीन शेड, ये यहाँ तक दिखाई, ये पूरा एरिया, ये करोड़ों में बेच दी गई है जमीन ना, ये जहरीले केमिकल के प्लास्टिक के ये भी है इधर सब पूरा। अब देखिए ये प्लास्टिक के अंदर अभी भी चल रहा है, ये देखो नंबर ले लो दोनों, ये ASI ने इसको तो खाली करवा दिया मूर्ति को बाबा साहब की, लेकिन ये नहीं अभी ये देखिए बाबा साहब की मूर्ति कब्जा कर सकती है, ये कब्जा नहीं, ये नहीं कब्जा कर सकते ना, इनको हटवाया गया एनक्रोचमेंट जो है, ये परिभाषा में ही नहीं आ रहा होगा एनक्रोचमेंट की मुझे लग रहा है। अभी अभी ये आप लोग देख चुके होंगे, ये चालू है, मशीन लगी हुई है, इसमें मशीन लगी हुई है, इसमें मशीन लगी है, चला लगा हुआ है, अभी भी कर रहे हैं काम इसमें अंदर, बाहर पूरा एरिया ये दिखाइए। मैम आप थोड़ा आगे चलिए, पूरा एरिया है जान लड़के, मैडम एक्सक्यूज मी, ये अंदर लोग बंद है, इसमें अंदर लोग बंद है, मवेशी बंद है, अभी भी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लोग बैठे हैं अंदर, इसमें लोग बैठे बैठे हैं, कर्मचारी होंगे ना, कर्मचारी होंगे, हाँ ये देखो आप लोगों ने ये पूरा एरिया देखा। हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का 27 तारीख को ऑर्डर आया कि जितना ये एरिया है जहाँ पर ये अवैध कब्जा है इसको हटाया जाए, पूरे एरिया में अवैध कब्जे को। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, MCD ने क्या किया, इतनी जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, सिर्फ उस मूर्ति को हटाया।
इससे इन लोगों की मानसिकता समझ में आती है। तिरंगा झंडा इसमें लगा था, झंडा देखो झंडा, तिरंगा झंडा तोड़ करके इन लोगों ने और पूरा क्या बात कब जो अभी भी फैले तिरंगे झंडे को भी हटाने का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति से तुम्हें प्रॉब्लम थी तो इस अपराधी से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, ये कब्जा क्यों नहीं हटाया गया अभी? ये जवाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कोर्ट में देना पड़ेगा और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये जवाब देना पड़ेगा। एस सी एस टी एक्ट का मुकदमा है, महिलाओं के सरेआम छेड़खानी की गई है, तिरंगा झंडे का अपमान किया गया, फेंका गया है, तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने लोग हैं शेयर करें, पूरा देश और हर कोई देखे, विदेश भी देखे कि किस तरीके से देश के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये किस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है दिल्ली जैसे एरिया में, वो भी दिल्ली देश की राजधानी में, ये सब देखना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर जो पुलिस के सिपाही लगे हुए हैं, इन लोगों से मेरी बात हुई है कि मैडम हम तो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं लेकिन एक चीज दिखाएंगे, देखिए हम लोग नियत्ते हैं लेकिन इन लोगों की लाठियां जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन मैंने इन लोगों को बोला है ये लाठियां आप लोग अपनी सुरक्षा में रखिए, क्योंकि हम तो वही काम कर रहे हैं जिससे आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। इधर दिखाइए, अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।